प्रतापगढ़ जिले के सड़वा चंद्रिका ब्लॉक के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय अंतु देहात में जल भराव का आलम यह है कि कमरों तक पानी भर गया है और स्कूल ने पूरी तरह से तालाब का रूप ले लिया है। तालाब बन चुके स्कूल में शिक्षकों की हिम्मत नहीं है भीतर जाने की, तो बच्चों की क्या बिसात। लबालब भरे स्कूल में कैसे होगी नौनिहालों की पढ़ाई, जबकि तिमाही परीक्षा की मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं। ऐसे हालात में बच्चों की पढ़ाई भी भगवान भरोसे है और अभिभावक चिंतित हैं। इस तरह से जलभराव बच्चों के लिए खेलने और तैराकी सीखने का जरिया बन गया है, जो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से बच्चे दिव्यांग वोटरों के लिए बनाए गए रैंप की रेलिंग पर चढ़कर कमर तक भरे पानी में कूद रहे हैं और तैराकी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। विद्यालय में पानी भरा होने के कारण शिक्षक भी घर बैठने को मजबूर हैं, तो वहीं यहां पढ़ने वाले बच्चे अब आते ही नहीं। जो आते भी हैं वह स्कूल बैग सड़क पर रखकर जान जोखिम में डालकर रेलिंग पर चढ़कर पानी में कूदते हैं, जिससे बच्चों को चोट लगने का भी खतरा बना रहता है। इस विद्यालय के ऐसे हालात तब हैं जब जिले में अभी मामूली बारिश ही हुई है। अगर सामान्य या उससे अधिक बारिश होती है तो विद्यालय महीनों तक तालाब में ही तब्दील रहता। अब बड़ा सवाल यह है कि इस विद्यालय को बनाते समय जमीन अगर नीची थी तो मिट्टी डालकर उसे ऊंचा करके विद्यालय का निर्माण क्यों नहीं किया गया। इस सवाल का जवाब कौन देगा, तत्कालीन ठेकेदार या फिर सीएम योगी के बेसिक शिक्षा विभाग के योग्य अफसर। इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।